हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। और आज के सेशन में बेटा हम लोग देखने वाले हैं कि भाई किस एनर्जी रिसोर्स में इंडिया का कौन सा स्टेट नंबर वन है और वर्ल्ड में हम लोग बात करेंगे तो पोजीशन क्या है। ये अपडेटेड डेटा है और बेटा आप लोग जानते हो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उसके पहले गाइस मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जो भी एप्लीकेशन मैंने लॉन्च किया है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरी बात बेटा मैं बात करूँ तो इस लेक्चर का जो भी पीडीएफ होगा ना वो आपको एप्लीकेशन में एक आपको दिखेगा, बात करूं बेटा फ्री पीडीएफ करके, है ना, तो वहां पर जाकर के आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप लोग आराम से इसका पीडीएफ भी वहां से ले पाओगे। और जो भी बेटा बात करूं कोर्सेस भी, तो उसका भी अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। और आप लोग ना मुझे कॉमेंट में जरूर बताना कि सबसे पहले हम लोग कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। और बात करें बेटा कंटेंट की तो वो आप लोग देखना कि वो बहुत अलग होगा और बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना। आप बोल सकते हो बेटा क्रिस्पी तो होगा ही होगा, लेकिन जो इस समय हम लोग बात कर रहे हैं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको कवर करेगा। तो आप वैसे भी पहले मुझे सब्जेक्ट बता देना, उसके बाद जो है वो मैं डिसाइड करूंगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं सोच रहा हूँ बेटा 6 जुलाई से हम लोग स्टार्ट करें, बट मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉमेंट में बताएं। चलो फिलहाल हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। बेटा सबसे पहले हम लोग बात करें पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम के प्रोडक्शन में अब जो नंबर वन स्टेट बन चुका है बेटा वो है राजस्थान, है ना। तो ये अपने आप में आप बोल सकते हो बेटा बहुत बड़ा चेंज है कि भाई नंबर वन स्टेट जो है, अगर आपसे क्रूड ऑयल भी पूछ लिया गया तो आप लोग क्या बताओगे बेटा, राजस्थान ही आपको बताना है। पर बेटा अगर मैं बात करूँ रिजर्व में नंबर वन कौन है, तो देखो रिजर्व में नंबर वन है असम। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि भाई प्रोडक्शन पूछा जाएगा तो हम राजस्थान बताएंगे और रिजर्व पूछा जाएगा तो हम असम बताएंगे। अगर बेटा मैं वर्ल्ड लेवल पे बात करूँ तो प्रोडक्शन में नंबर वन कौन है, यूएसए है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और सबसे ज्यादा बेटा पेट्रोलियम के या फिर क्रूड ऑयल के जो रिजर्व है वो कौन से कंट्री में है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा रिजर्व है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हम बात करें बेटा जो क्रूड ऑयल है ना उसको निकालना उतना आसान है नहीं, पर आपको याद रखना है। अब बेटा अगर मैं बात करूँ इंडिया में ही सबसे बड़ी बात करें बेटा जो रिफाइनरी है, जो कि पूरे हम लोग बात करें वर्ल्ड में भी सबसे बड़ी है, वो है जामनगर। और ये बेटा कहाँ पर है, गुजरात में, और ये रिलायंस की है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेटा कि जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो कौन सी बेटा, जामनगर रिफाइनरी है। और याद रखना बेटा ये गुजरात में है। और जो ओल्डेस्ट रिफाइनरी है हमारे देश की बेटा वो है दिग्बोई, और ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, असम में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है मुंबई हाई, यहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, ये कहाँ पर है। तो बेटा जो मुंबई है ना उससे आप 176 किलोमीटर जब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाओगे तो अरेबियन सी में आपको मुंबई हाई देखने को मिलेगा। मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा है, मैं बनाता हूँ यहाँ पर मुंबई है, तो यहाँ पर बेटा किस करीबन इस वाले रीजन में जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुंबई हाई। आई थिंक ये पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बेटा मैं बात करूं तो मिनरल्स की देखते हैं कॉपर की। तो बेटा अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कौन है, चिली। और यहाँ पर एक प्लेस है बेटा चुकी का माता, इससे बहुत ज्यादा हम लोग बात करें बेटा तो आपका जो है वो कॉपर की माइनिंग होती है, और चिली को कॉपर कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बोलते हैं। और चुकी का माता ये जो प्लेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। बेटा इंडिया में प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, मध्य प्रदेश में होता है कॉपर का। लेकिन अगर हम बात करें बेटा इसके रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ये सारा डेटा एक जगह पर बेटा आपको कहीं पर मिलने वाला है नहीं, ठीक है। आगे बात करें बेटा खेतड़ी, एक बहुत इंपॉर्टेंट माइन है, इनफैक्ट बेटा ये सबसे पुरानी कॉपर माइन है इंडिया की। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, और ये भी पूछा गया है कि जो खेतड़ी ये कहाँ पर है, तो आप याद रखना बेटा राजस्थान में। बलाचखंड बेटा ये बालाघाट में है, और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर बेटा, ये आपका एमपी में है। और ये एशिया की बेटा लार्जेस्ट कॉपर माइन है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे होगे बेटा तो जो कॉपर के प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा जो एमपी आपको देखने को मिल रहा है ना वो यही एक रीजन है, ठीक है। हालांकि इसके रिजर्व जो है बेटा वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, राजस्थान में। और बेटा अगर साउंड का कोई इशू आ रहा है तो धीरे धीरे इसको हम लोग रिजोल्व कर लेंगे। आगे बात करते हैं डायमंड, तो बेटा डायमंड में हम लोग बात करें रशिया, ठीक है ना। डायमंड में हम लोग बात करेंगे बेटा तो आपको रशिया देखने को मिलेगा। और इंडिया में बेटा हम लोग बात करेंगे तो पन्ना, इंडिया में बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है डायमंड में, तो याद रखो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पन्ना। कुछ फेमस माइन है बेटा, बात करें जो खदान है तो साउथ अफ्रीका की किमबिरले जो माइन है बेटा ये खदान बहुत ज्यादा फेमस है।
सीधे पूछ लिया जाएगा कि किम्बरले कहाँ पर है, तो आप बताओगे साउथ अफ्रीका में। और डायमंड का जो बिगेस्ट मार्केट है बेटा, ये आपको एंटवर्प में देखने को मिलेगा, और ये कहाँ पर है बेटा, बेल्जियम में है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। आगे बात करें बेटा गोल्ड, तो गोल्ड के बारे में बेटा हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो जरा, प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कहाँ पर हो रहा है इसका, चाइना में हो रहा है। हालांकि बेटा जो रिजर्व है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में। ये बात आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेना। यहाँ पर जो यूएसए लिख किया है इसको आप लोग बेटा क्या करो, इसको इग्नोर करो। ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज जो है इसको आप लोग इग्नोर करिएगा। और आप लोग को बस इतना रखना बेटा, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। लेकिन रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास है, तो आप लोग को याद रखना बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास में ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अगर हम यहाँ पे मूवमेंट करें बेटा अगले पॉइंट की तरफ, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जरा कि कोलार और हैती जो माइन है ना बेटा, बहुत फेमस है ये, कहाँ पर है, कर्नाटक में, कोलार गोल्ड फील्ड KGF है ना। तो बेटा ये जो गोल्ड की खदानें हैं ये कर्नाटक में है, और जो जोहानसबर्ग शहर है बेटा साउथ अफ्रीका का, इसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको हम लोग गोल्डन सिटी के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट भी बेटा आपने ध्यान में रखना है, यस और नो, ये पॉइंट भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान में रखना है। ये वाला पॉइंट जो है ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जितनी बातें भी बेटा यहाँ पे कही गई है मेरे द्वारा उसको आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए आगे मूव करें बेटा सिल्वर की तरफ। अच्छा, अगर इंडिया में पूछ लिया जाए गोल्ड में सबसे ज्यादा कौन है, तो करेक्ट आंसर हम लोग क्या बताएंगे, कर्नाटक। ठीक है, सिल्वर में तरफ हम लोग बेटा चलें, तो जो सिल्वर है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कौन कर रहा है, मैक्सिको। लेकिन रिजर्व किसके पास है बेटा, पेरू। और इंडिया में बस इसकी फेमस माइन जो है बेटा, जो खदान है वो कौन सी है, वो है जवार माइन, यानी कि जवार जो खदान है वो, और ये आपको कहाँ पर मिलेगी, राजस्थान में मिलेगी। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। आयरन ओर के बारे में बात करें बेटा, देखो सबसे बेस्ट जो आयरन ओर होता है बेटा कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है, क्योंकि इसमें 70% आयरन होता है। और बात करें बेटा इंडिया में हम लोग बात करने की कोशिश करें, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, कर्नाटक और बस्तर में देखने को मिलेगा। कर्नाटक के कुछ एरिया में मिलेगा बेटा, और बस्तर में मिलेगा, बस्तर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, हालांकि इंडिया में जो मेजर जो आयरन ओर मिलता है बेटा वो है आपका हेमेटाइट, और इंडिया के 2/3 पार्ट में बेटा हेमेटाइट ही मिलता है। लेकिन सबसे बेस्ट है मैग्नेटाइट, उसके बाद हेमेटाइट, उसके बाद लिमोनाइट, और जो यहाँ पे जो लोवेस्ट बेटा आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा सीडेराइट। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर हमको बेस्ट आयरन ओर चाहिए तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइट, क्योंकि उसमें 70% आयरन है। और सबसे बेटा जो लोवेस्ट क्वालिटी का जो आयरन ओर होगा वो हो जाएगा सीडेराइट। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा आयरन का ओर है, तो सीडेराइट बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना ये आयरन का ओर है। हालांकि ये हम लोग बात करें बेटा, ये यहाँ पे जो लोवेस्ट क्वालिटी है उनमें से एक है सीडेराइट, लिमोनाइट है ना, बेस्ट होता है मैग्नेटाइट। आगे देखते हैं बेटा, बस्तर में बेलाडीला, इसकी एक फेमस माइन है आयरन ओर की। दल्ली राजरा छत्तीसगढ़, दल्ली राजरा बेसिकली हम लोग बात करेंगे बेटा दुर्ग राजनांदगांव के पास में पड़ेगा। केमानगुड़ी बेटा ये कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और नौमुंडी बेटा ये कहाँ पर है, झारखंड में है। ठीक है, हालांकि मैं बात करूँ बेटा इसमें से एक आध बार एग्जाम में केमानगुड़ी देखने को आपको मिला है, और नौमुंडी भी आपको देखने को मिला हुआ है। ठीक है, पर ध्यान में रखोगे तो काफी अच्छा रहेगा। जैसे कि ये वाला पॉइंट की मैग्नेटाइट इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलता है बेटा, कर्नाटक में और छत्तीसगढ़ के बस्तर। आगे बेटा टीन जो है वो मेनली इंडिया में एक ही जगह मिलता है, छत्तीसगढ़। ये आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है। और वर्ल्ड में बेटा टीन में नंबर वन कौन है बेटा, तो आंसर हो जाएगा चाइना। माइका, माइका में बात करें बेटा, तो माइका यानी कि अबरक, इसका प्रोडक्शन जो है सबसे ज्यादा कौन कर रहा है, तो करेक्ट आंसर आप बताएंगे कि भाई चाइना कर रहा है। हालांकि माइका का रिजर्व सबसे ज्यादा बेटा किसके पास में है, इंडिया के पास में है। और इसकी जो फेमस माइन है बेटा, जो फेमस इसकी खदान है, उसका नाम है कोडरमा, ये झारखंड में है। ठीक है, लेकिन बेटा मैक्सिमम हम बात करें इंडिया में कहाँ मिलता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। सबसे ज्यादा जो माइका बेटा ये कहाँ पर मिलेगा, तो करेक्ट आंसर आपको बताना आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। जितनी बातें मैं यहाँ पे बताऊँ बस उतना ही पढ़िएगा,
इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और आप लोग बेटा मुझे बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट से हम लोग स्टार्ट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल, तो बेटा अगर हम लोग यहाँ पे कोल के बारे में बात करें तो कोल से तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा बताइए जरा। देखो भाई इसमें बेस्ट वैरायटी का कोल कौन सा होता है, वो होता है बेटा एंथ्रेसाइट, ये क्वेश्चन बनेगा। और बेटा चाहे प्रोडक्शन की बात करो चाहे रिजर्व की बात करो, दोनों में नंबर वन कौन है, चाइना है यहाँ पे कोल में। और बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट बेटा हम बात करें तो एंथ्रेसाइट जो है ये बेस्ट वैरायटी है, ठीक है। उसके बाद बिटुमिनस, लिग्नाइट और उसके बाद में पीट आपको देखने को मिल रहा है, सबसे बेस्ट है एंथ्रेसाइट। और ये भी क्वेश्चन आता है कि एंथ्रेसाइट बेटा इंडिया में एक ही जगह पे मिलता है और वो कहाँ पे मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कोल अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ मिलता है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। इंडिया में बेटा हम लोग बात करेंगे ज्यादातर जो कोल मिलता है आपको कौन सा मिलता है इंडिया में, बिटुमिनस में, ठीक है। इंडिया में ज्यादातर हमको जो कोल देखने को मिलता है वो मिलता है बिटुमिनस मिलता है, और एंथ्रेसाइट सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में मिलता है, ठीक है। और ओवरऑल मैं कोल की बात करूंगा तो इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ पर बेटा बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूं बेटा, चाहे वो प्रोडक्शन की बात करें चाहे रिजर्व की बात करें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। अगला बात करें बेटा ओल्डेस्ट कोल माइन इंडिया की कौन सी बेटा, तो ये हो जाएगी रानीगंज, जिसके ऊपर मूवी भी आई है। और ये बेटा कहाँ पर है तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। खरिया भी आपको पढ़नी पड़ेगी। तलचर कहाँ पर बेटा, उड़ीसा, ये भी एग्जाम में आ चुका है। कोरबा छत्तीसगढ़ में। सिंगरौली बेटा इसको एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोल देते हैं क्या, नहीं इसको बोलते हैं बेटा एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। देखो ध्यान से इसको हम लोग बोल देते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। और जो सोनभद्र देख रहे हो ना बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। सोनभद्र जो है बेटा ये एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, और जो सिंगरौली है ये कहाँ पर है, एमपी में। और आपको बताता हूँ सोनभद्र और सिंगरौली भी बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। इनफैक्ट बेटा अगर मैं बात करूं तो एक है आपके पास में सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट। तो अगर ये पूछ लिया जाए ना कि सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ है तो आपको आंसर बताना पड़ेगा बेटा सोनभद्र में। समझ रहे हो, मतलब सिंगरौली नाम से जो आपका थर्मल प्लांट है वो कहाँ पर है, सोनभद्र यूपी में है। लेकिन सिंगरौली खुद एक डिस्ट्रिक्ट है और वो एनर्जी कैपिटल है किसका, मध्य प्रदेश का। तो आई होप बेटा दोनों पॉइंट आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। यूरेनियम में बेटा रिजर्व सबसे ज्यादा किसके पास में, ऑस्ट्रेलिया। हालांकि बेटा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है तो आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। इंडिया में बेटा सबसे ज्यादा आपको कहाँ पर मिलेगा, आंध्र प्रदेश, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। और आंध्र प्रदेश की जो फेमस माइन बेटा वो है तुमाला पल्ले, यहाँ पर आपको यूरेनियम मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट है। जादूगुड़ा एक काफी पुरानी माइन है बेटा, एग्जाम में आती है, झारखंड में है ना। और जो मेघालय वाली है ये भी पूछी जा सकती है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कोशिश किया बेटा कि उन चीजों को रखने की जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं या फिर पूछे जाएंगे। बॉक्साइट बेटा किसका ओर है, एक तो यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो बॉक्साइट बेटा एल्यूमिनियम का ओर है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा बेटा कहाँ पर होता है, ऑस्ट्रेलिया में। और रिजर्व कहाँ पर है बेटा, गिनी में, ठीक है। और इंडिया में बेटा दोनों ही चीज में नंबर वन कौन है, ओडिशा, बॉक्साइट के मामले में ओडिशा, ठीक। कोरिया बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिजर्व के मामले में ये नंबर वन है इसमें इंडिया, हालांकि इसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया में भी बेटा अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट पूछ लिया जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केरला। और केरला में बेटा एक मोनेजाइट सैंड पाई जाती है, ये एक ओर है किसका, थोरियम का, थोरियम का ओर है बेटा मोनेजाइट सैंड, ये केरल में मिलता है, याद रखना ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। जितने पॉइंट बताया ना बेटा इसमें से आपके एक आध क्वेश्चन फंसते फंसते, ठीक है। तो बेसिकली बेटा ये था, और इसका जो पीडीएफ है वो आपको एप्लीकेशन में फ्री पीडीएफ में मिल जाएगा, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये थी एक छोटी सी क्लास, बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस, और मुझे आप लोग कमेंट में बताना कि बेसिकली कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें।